हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी आग सवाल सीरीज के नए वीडियो में। अगले पार्ट में हमने मेटल के टूल्स बनाने के लिए स्मिथी और रिफाइनिंग फोर्स बना के मेटल के टूल्स बनाए थे और हमने ट्रैंक एरो भी बना लिए थे। और आज का वीडियो का हमारा गोल है कि हम ट्राइसेरोटॉप्स को टेम करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ये हमने यहाँ पर मीडियम क्रॉप प्लॉट लगाए थे जिसमें हमने ये यहाँ पर लॉन्ग ग्रास लगाई है, इस वाले में हमने सिट्रियोना लगाया और जो तीसरा उसमें हमने रॉक कैरेट लगाए थे जो हमारे डायनो स्टेम करने में हमें मदद करेंगे। और हमने हमारा लेवल भी 33 कर लिया है। हमने हमारा लेवल 33 कर लिया इसलिए हमको बहुत सारे इनकम्स भी ओपन हो गए। आज हम ये स्वर्ड और सिकल भी बना लेंगे मेटल की। इसका इनकम हमने खोल दिया अभी और ये हम कई सारे इंग्राम सभी खोल सकते हैं लेकिन हम अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि बाद में कुछ अच्छा आएगा तो हमारे काम आएगा। इंग्राम सभी हमारे पास 91 इंग्राम बचे हैं, पॉइंट्स अवेलेबल है 91। चलो अब देखते हैं ये मेटल के स्वर्ड और सिकल बनाने के लिए कि हमको क्या क्या ज़रूरत है, कितने मेटल चाहिए और कितनी और चीज़ें भी चाहिए। हमको स्वर्ड बनाने के लिए स्वर्ड 15 मेटल चाहिए हमको। हमारे पास यहाँ पर 22 है। तो मैं इसको रिफाइनिंग कर देता हूँ जल्दी से और मिलता हूँ आपको रिफाइनिंग होने के बाद। हमारी मेटल रिफाइन हो चुकी है और हमने अब 70 मेटल कर दिए। हम थोड़ा मेटल और ले आए थे, अब हम स्वर्ड और सिकल दोनों बना सकते हैं। स्वर्ड हमने बना के रख दिए और ये सिकल के लिए हमको 18 मेटल चाहिए और हमारे पास अभी 20 बचे हैं। ये हमारी सिकल भी बनने रख दिए हमने। हमारे पास स्वर्ड आ चुकी है जो 19 का डैमेज करती है और सिकल भी आ चुकी है। सिकल हमारी फाइबर कलेक्ट करने में हमारी मदद करेगी और स्वॉर्ड हमारी पाइक को रिप्लेस कर देगी और हम बहुत सारे डायनोस को जल्दी से मार सकते हैं स्वॉर्ड से। अगर आपने हमारे आर्क सवाल सीरीज के आगे के एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे आर्क वर्क सवाल सीरीज के आगे के एपिसोड देख सकते हैं। चलो देखते हैं हमारी सिकल कैसे काम करती है और कितना फाइबर कलेक्ट करती है। हमको एक में से बहुत सारे फाइबर मिल चुका है और यहाँ से भी मिला। हमारी सिकल बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा फाइबर कलेक्ट कर रही है। हमारी सिकल और स्वॉर्ड तो हमने बना लिए, अब हमको एक अच्छे लेवल का ट्राइसेरोटॉप टेम्प करना है। चलो उसको ढूंढने निकलते हैं और उसको टेम्प करने के लिए हमने सब सामान ले लिया है। चलो मिलते हैं, वो अच्छा लेवल का ट्राइसेरोटॉप मिलता है तब। ये हमको बहुत टाइम के बाद ये 100 लेवल का ट्राइसेरोटॉप मिला है, आप देख सकते हैं। हम उसको ढूंढते ढूंढते घर से बहुत दूर आ चुके हैं। यदि आप देख सकते हैं हम घर से कितने दूर है। हमने कई सारे ट्राइसेरोटॉप्स को ख़त्म किया है कि अच्छा लेवल का ट्राइसेरोटॉप्स टेम हो। पहले हमको ये डिलोफोसोरस को मार देना चाहिए क्योंकि ये हमको टेमिंग करने में हमारे बीच में आ सकता है। जब हमको ट्राइसेरोटॉप्स को अनकॉन्शियस करेंगे तब ये उसको मार के उसकी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस कम कर देगा, इसलिए पहले इसको ही ख़त्म करेगी। हमको इसको ढूंढने में हमने कई सारे ट्राइसेरोटॉप्स मारे, उसकी वजह से हमारे लेवल भी बहुत बढ़ गया है। हमारा अभी लेवल 36 है। अब हमको इसको टेम करना है, इसके लिए हम क्रॉसबो से ट्रैंक एरो मारेंगे। चलो ये हमने एक हिट पर लगा दिए, हमारे के दूसरा भी लग गया। तो ये आ रहा है हमारे पास, अरे ये तो ऊपर चढ़ गया। चलो भागना होगा यहाँ से, नहीं तो चलो हम बच गए, उससे तो बच गए, नहीं तो वो हमको ख़त्म कर देता भाई के भाई। और हमको फिर से घर से यहाँ पर इतनी दूर आना पड़ता। पहले तो इसका पीछा छुड़ाएंगे हम, भाग के बहुत दूर चले जाएंगे जिससे हमारे पीछा छोड़ दे। ये 50 लेवल का यहाँ पर घूम रहा है। अरे ये कहाँ से पीछे पड़ गया, अब इसका भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा। एक कैली का के लिए आते छुप जाते इसके पीछे, इससे वो हमारे कभी आ नहीं रहा, आ रहा है वो हमारे पीछे ही आ रहा है। यहाँ से पत्थर घूम के उस तरफ चले जाएंगे। चलो ये कैली का तो पीछा छूट गया, वो ऐसा लग रहा है हमको, अब वो हमारे पीछे अब नहीं आ रहा है। अब हमको अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर वो हाँ यही वही जगह है जहाँ पर हमको ऊपर चढ़ेंगे और ट्राइसेरोटॉप्स हमारे पीछे नहीं आ सकेगा ऊपर। पहले तो मारने से पहले देख लेती,
चलो अच्छा हुआ हमने इसको मारा नहीं, ये 50 लेवल का, और ये ही है वो 100 लेवल का। 100 लेवल वाले ट्राइसेराटॉप को हमको टेम करना है, 50 लेवल का बीच में आ रहा है हमारे। अरे ये 50 लेवल को एक क्यों लग गया, अब इसको हमको ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये बीच में आता रहेगा और हम उसको टेम नहीं कर पाएंगे। इसको ऐसे ही ख़त्म कर देते यहाँ पर हम। फाइव एटी नाइन फोर सेवेंटी फोर सिक्सटी वन, इसको कई थोड़े ही यारों मारेंगे तब ये ख़त्म हो जाएगा। बाद में हम ये 100 लेवल वाले ट्राइसेराटॉप्स को टेम कर देंगे। चलो ये तो मर गया, हमारा लेवल भी बढ़ चुका है एक। चलो अब इसको जल्दी से हम कौन कॉन्शियस कर देते हैं। ये अब एक दो हिट में नीचे गिर जाएगा, हमको एक ही हिट लगानी होगी। चलो लग गई एक हिट, और ये चलो ये अनकॉन्शियस भी हो चुका है वो 100 लेवल वाला हमारा ट्राइसेराटॉप अनकॉन्शियस हो चुका है। अब उसको हमने उसके अंदर हम बैरिस्ट डालनी होगी, या तो हम जो मीडियम क्रॉप प्लॉट में क्रॉप लगाए वो डालने होगी। हम हमारे घर से रॉक कैरेट ले आ चुके, हम रॉक कैरेट डालेंगे जिससे ये जल्दी से टेम हो। पहले इसमें रॉक कैरेट डालेंगे, देखते ये एक बारी में कितना टेम होता है। जल्दी जल्दी से ये खा तो रहा है, लेकिन कितना टाइम होएगा। हमारा लेवल भी एक बढ़ चुका है, किस में लगाएंगे हम, स्टेमिना ही बढ़ाना चाहिए अभी। ये एक बारी में 1.1 टाइम हो रहा है, इसको टाइम होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। चलो आपको अब मिलता हूँ इस ये खड़ा हो तब, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाला है टेम होने में। और हम ये बेरीज और बायोटॉक्सिन भी डाल देते हैं अंदर, जिससे ये रॉक कैरेट ख़त्म हो जाए तब ये बेरीज काम आए हमारे। चलो अब ये टेम होने वाला हो तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ट्राइसेराटॉप अब टेम ही होने वाला है, अब ये एक बार खाएगा तब टेम हो जाएगा। और लेकिन इसके आगे वो थेरिजिनोसॉरस है ना, वो हमारे ट्राई को दिक्कत देगा, क्योंकि जब ये खड़ा होगा तब उसको मारने लगेगा, उसको मारना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी रुकते, क्योंकि अगर ना मारे तो हमको मारने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमको उससे बच के रहना होगा, नहीं तो वो हमको पहले मारेगा। ये आगे आ रहा है, ये हमारा ट्राई उसके सामने ही खड़ा हो चुका। अरे ये मारने लगा है, हमको इसको मारना पड़ेगा पहले। चलो इसको जल्दी से हम मार लेते हैं। हम तो मार नहीं सके, लेकिन हमारे ट्राइसेराटॉप्स ने इसको मार दिया। हम तो मारने गए, इसने हमारे को बहुत ज़्यादा हिट कर दिया, जिससे हम दूर ही खड़े रहे। यहाँ पर एक ड्रॉप भी आया, चलो देख लेते क्या है ड्रॉप में। चलो हाइड का हमारा आर्मर सेट मिल गया हमको। ये हमारा ट्राइक कहाँ भाग रहा है, इधर आजा चल। हमने इसका शेडल भी बना लिया था, पहले इसका शेडल हम लगाएंगे ये रहा। और हमने कुछ मेटल भी कलेक्ट किया था यहाँ से 86 जितना, जिसको हमने यहाँ पर रख दिया इसमें, क्योंकि हमारे पास रखते तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता। अब इसको घर पे ले जाना है और चेक करते इसके मूव्स कौन से है। पहले तो इसकी हेल्थ बहुत कम है, इसको फिट करते हैं जिससे ये इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ जाए। बियरिस जितनी भी इसके अंदर डाल देते हैं, इसने तो खा लिया है। यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में कुछ है ऊपर स्वाइप करने का है, लेफ्ट साइड के ऊपर स्वाइप करने से ऐसा कुछ करता है ये। चलो अब हमारे ट्राइसेराटॉप को हम अपने बेस तक ले जाते हैं जल्दी से। हम अपने ट्राइसेराटॉप को घर ले जाते, लेकिन यहाँ पर आते देखते क्या, यहाँ पर एक 140 लेवल का रेक्स है मेल। हमको इससे बच के ही जाना होगा, नहीं तो हमारा ट्राइसेराटॉप हमने अभी टेम किया वो अभी मर जाएगा। चलो अब घर पे चले जाते। हम अपने ट्राइसेराटॉप को अपने बेस तक ले आ चुके, पहले तो हमको उसको खाना देना होगा। यहाँ से हम
ये रॉक कैरेट उसमें डाल देते और इसमें मेटल है वो भी हमको रिफाइनिंग फोर्ज में रिफाइन करना होगा। चलो उसको रिफाइनिंग फोर्ज में डालते मेटल को पहले। चलो वो पीछे पीछे आ जाएगा यहाँ तक, तो चलो आ चुका है। अब इसको अब स्टॉप कर देते यहाँ पर टॉप वॉल में। हमारा 86 जितना मेटल है ना वो हमको अब रिफाइनिंग फोर्ज में डालना है। इसको हम आगे थोड़ा ले जाएंगे जिससे हम आसानी से रिफाइनिंग फोर्ज में हमारा मेटल रख सके, नहीं तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेटल हम लेंगे लेके चलेंगे तो। पहले यहाँ से हमको अंदर से मेटल निकालना है और रिफाइनिंग फोर्ज में डालना है। 86 अंदर टोटल हमारा 116 है। यहाँ से हमको अब ये वुड भी हम अंदर डाल रख देंगे जिससे हमारा रिफाइन हो जाए। वुड की भी हमको अंदर बाद में डालना ना पड़े। ये हमने गन वाले इंग्रेस खोल दिए थे, हम ये बाद में बनाएंगे गन्स क्योंकि हमको अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा 37 हमारा है लेवल और 38 लेवल पे हम टेरन डॉन को टेम कर सकते हैं। जो उड़ सकता है उसका शेड्यूल हमारा ओपन हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।